बिट्टा जी आप सब देख रहे हैं हमारे बीच आए हैं सिने जगत के मशहूर कलाकार श्री जॉन अब्राहम साहब, जिनकी फिल्म मद्रास कैफे हाल ही में प्रदर्शित हुई है और अपने दमदार अभिनय से जिन्होंने अभिनय के नए मुकाम हासिल किए हैं। एक युवा जुझारू कर्मठ जागरूक अफसर का किरदार जॉन अब्राहम साहब ने निभाया है मद्रास कैफे फिल्म में, जिसे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारत की सीमाओं पर जब जब शत्रु ने आक्रमण किया या देश के भीतर जब जब आतंकवाद ने भय या खौफ का माहौल खड़ा किया, भारत माता के शूरवीर बेटों ने अपने जान की परवाह न करते हुए हालात का सामना किया और अपना सर्वस्व नहीं था। उसे डर था कि अगर आम सरेंडर कर दिए तो पीस फोर्स के चले जाने के बाद आइलैंड में तमिल्स को खत्म कर दिया जाएगा। सेट का मौन रखकर खड़े होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें। हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, भारतीय बीच अपनी जान की परवाह ना करते हुए जीप पर चढ़कर दुश्मन के टैंकों पर वार किया। मशीन गन की लगातार बौछार के बीच भी अब्दुल हमीद पूरी हिम्मत से लड़ते रहे और जब तक शरीर में प्राण रहे दुश्मन के टैंक पर वार करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी श्रीमती रसूलन बीबी को हम मंच पर श्रीमती रसूलन बीबी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इसी संकल्प को दोनों ने जीवंत किया। दोनों के सिर पाक सेना ने काट दिए। मृत्यु से डरे नहीं, दुश्मन के सामने झुके नहीं। लांस नायक हेमराज सिंह की पत्नी श्रीमती धर्मवती, लांस नायक सुधाकर सिंह की पत्नी श्रीमती दुर्गा सिंह बघेल सम्मान ग्रहण करेंगी। ये वो दोनों जवान जिनके सिर पाक सेना ने काट दिए थे करने मंच पर आ रही हैं। इन सभी सुरक्षा के लिए ये शपथ लें। आज हम उन महान शहीदों को याद करते हुए एवं बहादुर जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए
शपथ लेते हैं कि भारत माता की आजादी की रक्षा एवं आतंकवाद को खत्म करने में तन मन से सहयोग करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।